कभी आप हारेंगे और कभी आप जीतेंगे, ये जिंदगी भर चलता रहेगा। उत्तम कुमार जी उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, फैन हूँ। सत्यजीत रे साहब उनके साथ बनाई नायक, वहीं से हमें वो टाइटल मिला और हमने फिल्म का नाम रखा नायक। ममता जी से फोन पे बात हुई तो दिल खुश हुआ। हम लोग टीनेजर थे तब भी तो आप हमारा हीरो थे। सेम लुक सर, सेम लुक। इसका केमिस्ट्री और मिस्ट्री तो वो क्या है? मेरे दिमाग में सबसे पहले पैसा नहीं आता। भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि मैं हमेशा ऐसा रहूं, ऐसा नहीं रहूं। जैसे मैं आपसे मिलता हूँ तो हम लोग ना पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम सिर्फ आइडियाज की बात करते हैं। आइडियाज। कलकत्ता का जो वाइब्रेशन है वो आपका कैसा लगता है? टू बोल्स ऑफ मिस्टी डोई लास्ट नाइट, beautiful city called Kolkata, you know, which has given so much of talent to the world. Namaskar, apnara dekhchen sangbadpratidin.in. To sangbad pratidine amra ekjon bishishto otithir mukhomukhi hoyechi ebong tini shudhu amader otithi non, tini sara bharatborsho sara duniyay যেখানে তার ফ্যান ফলোয়িং রয়েছে সবাই তাকে অন্তর থেকে ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। ফ্রেন্ডস, টুডে উই হ্যাভ মিস্টার ইন্ডিয়া মিস্টার অনিল কাপুর উইথ আস। অনিলজি থ্যাংক ইউ, আপনি যে ইয়ে সময় দিয়া হামারা যে ডিজিটাল হ্যায় প্রতিদিন ডিজিটাল, তো আজ তো প্রতিদিন মে আপকা যে তসবির হ্যায় মা দুর্গাকে সামনে পুরা এসে नमस्कार कर रहे हैं, तो वो कैसा फीलिंग है माँ दुर्गा के सामने? माँ दुर्गा के सामने बस उनका आशीर्वाद रहे मुझ पर, मेरे परिवार पर, कोलकाता पर, बंगाल पर, पूरे हिंदुस्तान पर। बस यही है कि हम सब तरक्की की ओर बढ़ें, खुश रहें, बस यही मेरी प्रार्थना रहती है हमेशा। और बस ये है कि हम फिल्में बनाते रहें और आप लोगों को एंटरटेन करते रहें। सर, एक स्पेशल क्वेश्चन है, वो पहले ही मैं पूछ लेना चाहता हूँ कि जब हम लोग टीनेजर थे, हाँ जी, तो तब भी तो आप हमारा हीरो थे। मिस्टर इंडिया, आप भी एक सेम लुक सर, सेम लुक। ये इसका केमिस्ट्री और मिस्ट्री आप जो भी बोले तो वो क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको अपने माँ बाप से नहीं मिलती हैं। मेरे मदर फादर, मैं सबसे पहले उनको क्रेडिट देना चाहूँगा उसके बारे में। फिर दूसरा ये है कि मैंने हमेशा अपना ख्याल रखा, अपने सेहत का ख्याल रखने की कोशिश की है, ये सब चीज़ें एक्सरसाइज मेंटेनिंग, और मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ अपने लाइफ में। और बस काम किया है तो, मगर काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं काम एक ड्यूटी की तरह नहीं किया। मैंने काम जब किया है तो आई हैव एंजॉयड, सो व्हाट एवर आई हैव डन I've enjoyed. It's my passion, and I think that's what you know drives me to look the way I'm looking, because mere profession ke liye bahut zaruri hai ki agar aap camera ke samne jate hain aur logon ke samne jana, you know, log dekhte hain to wo yahi chahenge ki aap umar mein bade honge, unko bura nahi lagta, magar agar aap apna khayal nahi rakhenge aur aap audience ko granted lenge ki main mota ho jaun, main raat bhar soun nahi, मैं शराब पीऊँ, मैं सिगरेट पीऊँ और फिर जाके अपना काम करूँ, तबीयत ठीक नहीं है, खांसता रहूँ, तो वो गलत बात है। मतलब आप जो जनता जो आपको देख रही है उनके लिए आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने आप को मेंटेन करो, करें, क्योंकि यही मेरी फैक्ट्री है, यही मेरा ऑफिस है। यू नो, इट्स लाइक गाड़ी हो तो गाड़ी का ख्याल रखना पड़ेगा ना। कितने लोगों के पास गाड़ी है, मगर 2 साल में उनकी गाड़ी जो है वो एकदम यू नो पुरानी लगती है, मगर कुछ लोगों के पास 100-100 साल तक गाड़ी रहती है, मगर 100 साल तक वो गाड़ी को मेंटेन करते हैं। तो मैंने भी यही किया कि मैं अपने गाड़ी को अपने आप को मेंटेन करूं ताकि जब मैं बाहर निकलूं तो चमकूं, चमकता रहूं, ऐसा लगे थोड़ी सी आप ऐसा ही चमकते रहिए। अनिल जी, आपका जो मिस्टर इंडिया फिल्म था उसमें एक गाना था, ऑल टाइम ग्रेट गाना, आप कभी हंसकर गा रहे थे, कभी आपको आंखों से आंसू निकल रहे थे। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो आपका जो ये लॉन्ग जर्नी है सर फिल्म इंडस्ट्री में, वो पर्दे में तो एक जर्नी है, वो पर्सनल भी तो एक जीवन का जर्नी है, वो आपका एहसास क्या है? इसी दो गाने जो हैं ये दोनों जावेद साहब ने लिखे हैं, जावेद अख्तर साहब, और मुझे लगता है कि यही होना चाहिए और लोगों को समझ आना चाहिए कि हमेशा जीत नहीं रहती और हमेशा हार नहीं रहती,
कभी आप हारेंगे और कभी आप जीतेंगे, और कभी जीत के हारेंगे और कभी हार के जीतेंगे। ये जिंदगी भर चलता रहेगा, प्रोफेशनली, पर्सनली, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली। ये एक ये रीत जो है वो ये रीत ऊपर वाले ने बनाई है कि हार के बाद जीत है, और यही सुनकर आपको अपने आप को अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए कि अब हार गए, क्योंकि हार के बाद डेफिनेटली जीत तो होने वाली है। और दिमाग भी नहीं ख़राब होना चाहिए कि आप जीत गए, क्योंकि आज नहीं कल तो अब हारने वाले हैं। तो ये दिस जिंदगी, एक और गाना लिखा था जावेद साहब ने कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे अगर आप लोग मेरे संग हैं। तो जो वो आप लोगों में सब कुछ आता है, आप लोगों में आपका परिवार आता है, आपके दोस्त आते हैं, आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, कोई भी आप चीज़ की टीम के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल, टीम वर्क, इट्स अ टीम वर्क। बाइटर फिल्म में उसका भी एक थीम था कि इट इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क, राइट? यू नो, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल ग्लोरी, नथिंग इज अबाउट इंडिविजुअल ग्लोरी। व्हेन एनीबॉडी गोज इनटू इंडिविजुअल ग्लोरी, इट्स प्लस पॉइंट्स बट मोर माइनस पॉइंट्स। सर, अगर आपको पूछा जाए जी आपका कौन सी 5 फिल्म आप खुद देखने के लिए बार बार तड़प रहा है, आपका खुद का 5 फिल्म्स? मैं काफ़ी खुशनसीब रहा हूँ कि काफ़ी मेरी फिल्में हैं जो मेरी फेवरेट फिल्म हैं, मगर इमीडिएटली अगर आपको मैं कहूँ तो मिस्टर इंडिया है, और स्लमडॉग मिलियनेयर, और विरासत, लम्हे, 1942 लव स्टोरी, बहुत सी सारी फिल्में, ईश्वर, राम लखन, यू नो, एंड अभी जो फिल्में रिलीज़ हुई मेरी, शो जो मैंने किया, 24, नाइट मैनेजर, एनिमल, फाइटर, ये सारी, यू नो, ये सब। सर, ये जो मेरे को अभी मेरी फॉर्चुनेट हूँ, बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी, बेटा, यू नो, साहेब, वो साहब, हाँ, साहेब तो आज भी नायक, यार बिना चैन कहाँ रहे, नायक आपकी फेवरेट फिल्म? हमारा फेवरेट फिल्म नायक। अरे आप तो देखिए, आप नायक, देश इंटरनेशनली आप नोन एज नायक। अनिल जी, आप कलकत्ते फिल्म फेस्टिवल में आपसे मुँह से ही निकाला था, ये बंगाल में एक महानायक है जिसने एक नायक फिल्म किया था, उत्तम कुमार जी। उत्तम कुमार, मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, फैन हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो काम करने का, जो जिस तरह वो काम करते थे, इतनी एफर्टलेस काम करते थे, इतना नेचुरल काम करते थे, इतने खूबसूरत थे, इतने हैंडसम थे, स्टार भी थे, बहुत बड़े स्टार भी थे, नंबर वन स्टार थे, महानायक थे, मगर कमाल के एक्टर भी थे। इसलिए जब सत्यजीत रे साहब आपको फिल्म में लेते हैं, मगर मतलब लेते हैं, मतलब आप में अगर कोई बात नहीं हो तो कभी आपको नहीं लेंगे। हाँ। तो उन्होंने भी फिल्म उनके साथ बनाई नायक, यू नो, एंड वहीं से हमें वो टाइटल मिला और हमने फिल्म का नाम रखा नायक। आपका जो अनिल जी रिसेंटली 2 फिल्म, वो एक तो फाइटर और 2 ये एनिमल, तो हमारा ये पूछना है कि आपका शुरुआत के दिन में आपका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था, आपका अंदर में क्या बहुत चेंजेस लाना पड़ा आज इतना दिन के बाद आप फिर कैमरा में, मैनरिज्म, स्टाइल, खुद का अंदर में कोई प्रोसेस चल रहा है? कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी काम करने के लिए आपको यू हैव टू लिसन, सुनना बहुत ज़रूरी है कि आपकी टीम है, यंगस्टर्स की टीम है, कुछ मैच्योर पीपल हैं, कोई जिन्हें आपसे ज़्यादा मालूम हो, उनको आपको अपने आप को सराउंड करना चाहिए। And it should never be I, me, myself. I feel you should surround people with the right people. So I feel change यही है कि, और मेरा मुझे लगता है कि consistency और longevity का यही reason है कि मैंने हमेशा अपने आप को अच्छे लोगों के साथ surround करने की कोशिश की है, अच्छी फिल्में करने की कोशिश की है, अच्छे directors के साथ, अच्छी leading ladies के साथ। मेरे दिमाग में सबसे पहले पैसा नहीं आता, you know, it's not commerce। पहले आता है काम, वो role, क्या लोग हैं, कौन है इस team में, फिर उसके बाद ये सब हो जाए, मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, फिर उसके बाद मैं कॉमर्स की बात करता हूँ। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू हैव इन द बैंक, सक्सेस इज हाउ फिट यू आर, सक्सेस इज हाउ हैप्पी यू आर विद योर फैमिली, सक्सेस इज दैट यू वॉन्ट टू सी दैट योर कंट्री इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मेरे ख्याल से ज़िंदगी में हमेशा ये होना चाहिए कि आपको ये नहीं करना चाहिए, मैं मेरे भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि मैं हमेशा ऐसा रहूँ, ऐसा नहीं रहूँ, कि मुझे यू नो हमेशा आई कुड कीप ऑन गिविंग फॉर माय टू माय कैपेसिटी व्हाटएवर आई कैन। आपका और एक मिस्ट्री जानना चाहता हूँ कि आप
How did you avoid gossips for the long time? Denzel Washington ने बड़ी अच्छी बात कही थी. Idle minds gossip and great minds think about ideas. जैसे मैं आपसे मिलता हूँ तो हम लोग ना पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना गॉसिप की बात करते हैं. हम सिर्फ आइडियाज की बात करते हैं. आइडियाज की बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या फिल्म बनानी चाहिए, क्या आइडिया है, यही बात करते हैं हम लोग. तो बेटर टू टॉक अबाउट आइडियाज रादर देन गॉसिपिंग. राइट. सो आई डोंट वेस्ट टाइम. सो आइदर आई विल बी इन द जिम एक्सरसाइजिंग और मीटिंग इंटरेस्टिंग पीपल हु नो बेटर देन मी, यू नो. सो दैट्स व्हाट जैसे अभी आपसे मुलाकात हुई, ममता जी से फ़ोन पे बात हुई तो दिल खुश हुआ, यू नो, कि उन्होंने मुझे याद किया. ये सब चीज़ें जब आप जाते हैं, दुनिया में ट्रैवल करते हैं, आप यहाँ जाते हैं, दूसरे दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, तो वहाँ जब आपको प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है, तो आपको खुशी होती है. आप बहुत दिन बाद कलकत्ते में फिल्म फेस्टिवल गए और अभी फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल, कल तो फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल में आप वहाँ पर थे. ये सिटी कलकत्ता, कलकत्ता का जो वाइब्रेशन है वो आपका कैसा लगता है? वाइब्रेशन तो बहुत सालों से है. मैंने अपना करियर यहाँ शुरू किया, उसके बाद दूसरी फिल्मों का भी मैंने काफ़ी शूटिंग की. कोलकाता मेल कहाँ कहाँ से गुजर गए और मैं यहाँ आता रहता हूँ जब भी मुझे इनविटेशन मिलता है. लास्ट ईयर मैं आया कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के लिए. अभी यहाँ मुझे फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल के लिए बुलाया गया, विच इज़ एमलगेमेशन ऑफ यू नो शोइंग फिल्म ऑफ ऑल द ग्रेट्स ऑफ फ्रांस एंड इंडिया. रे साहब, मृणाल सेन साहब, जॉन लो गुडार्ड, फ्रांसिस टू फोर, जिनकी मैंने फिल्में बचपन में देखी थी, इन सब की फिल्में देखकर मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और पूरी दुनिया आज तक सीख रही है और सीखती रहेगी. दे बिकम क्लासिक्स. तो ये दोनों का संगम बड़ा अच्छा रहा क्योंकि द आर्ट विच इज़ क्रिएटेड इन कलकत्ता एंड फ्रांस, यू नो, एंड द कल्चर एंड दिस फेस्टिवल डन बाय द फ्रेंच कॉन्सुलेट ओवर हियर इज कमेंडेबल. एंड दिस वॉज द फर्स्ट एडिशन एंड आई वॉन्टेड टू बी एज सक्सेसफुल एज पॉसिबल. And of course, contemporary cinema films are also there. So everybody gets an opportunity, all the filmmakers and actors and who are trying to do something which the world can be proud of. This will inspire so that there will be more people who can be, you know, like Ritwik Ghatak Saab, Mrinal Sen Saab, Satyajit Ray Saab, you know, Tarun Majumdar, Uttam Kumar Ji, Suchitra Sen Ji, you know. So there are, I'm sure there must be so many youngsters who can aspire, at least dream to become and live up to the expectation of these filmmakers. So when these kind of festivals happens, it inspires and motivates all the youngsters of this beautiful city called Kolkata, you know, which has given so much of talent to the world and so much of entertainment, so much of stories, so much of, like for example, I'm just giving an example, Nimai Ghosh. You know, he took a photograph of mine still, 40, more than 40 years back. Right. And look at the still, it's like a painting. And last time you saw that photos. Yeah, photograph. So that picture he gave me, it was like a painting, you know. And if you see, now today, you know, everything has become digital, you know. Am I making sense? It's there. Right. But the quality which is there, after 40 years, the photograph has been printed and you feel it is actually, I'm standing in front of the Grand Hotel and it's got that feel. Right. You know, which is better, bigger. The photograph is better than a painting. It's not me standing there which has appealed to me. Right. It is the whole Kolkata which is there in that picture, you know, which I've seen and I've experienced, which is wonderful. Absolutely. So what is the difference between the film and now OTT platforms are there, series? What is the basic difference between them? You know, we are all storytellers and it's a kind of a renaissance which is happening. There's a revolution which is great for all of us, for the country, for the writers. The digital age is, we have to use it to our advantage in any profession. Now, why films? So it's a boon. You get more jobs, more employment, more opportunities for people to showcase their talent. I think that's what I feel. I take it in a very positive way. Bangla khabar, Bengali food. Yeah. Aapka kaun si Bengali food pasand hai? Bengali. I've got a lot of Bengali friends. I like the mustard fish, right? I love that. I like sandesh and I mishti dohi. These are my three favorite things. Mishti dohi. I had sandesh among mishti dohi. Mishti dohi. I had two bowls of mishti dohi last night. Miss korechi. Anar somoy sandesh ene felechi shudhu notun gurer mishti dohi ta ana uchit chilo. Miss kore gechi, ora next time hobe abar. Anil ji, last question.
अपना आपका नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? ज़माना ऐसा आ गया है कि जो भी आपका नेक्स्ट है वो आपको नहीं बताना चाहिए, वो प्रोड्यूसर को बताना चाहिए. वो इट्स दैट इज़ देयर प्रेरोगेटिव टू बिकॉज इट्स देयर बिकॉज आई एम एम्प्लॉयड बाई देम. सो इट इज़ देयर प्रेरोगेटिव टू से वॉट इज़ देयर नेक्स्ट. एम आई पार्ट ऑफ दैट? सो आई एम इन टॉक्स विद लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स who will, when the right time comes, are going to announce that am I part और मेरे को जॉब मिला कि नहीं, उन्होंने मेरे को नौकरी दे रही है. सो अभी वो नौकरी देंगे तो मैं काम करूँगा. तो मैनी थैंक्स अनिल जी, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं ऑन बिहाफ ऑफ संवाद प्रतिदिन डिजिटल टीम, संवाद प्रतिदिन न्यूज़पेपर. गुड विशेज, बेस्ट विशेज टू अनिल जी. अनिल जी उसका ये एवर ग्रीन अनिल जी आगे बढ़ते रहिए और पूरा हम लोग जो व्यूअर्स हम लोग आपके साथ है. थैंक यू अनिल जी. थैंक यू. जय बंगला, जय कोलकाता.